नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सभी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। इन प्रश्नों के आंसर देखकर आप अपनी कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही करके आए हैं। पहला प्रश्न था, अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार संबंधित है खेल प्रतियोगिता से। ऑप्शन नंबर हमारा खेल प्रतियोगिता सही होगा। दूसरा प्रश्न था, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक क्षेत्र। वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर पूछा गया देश है आइसलैंड। नमस्ते योगा प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है? आयुष मंत्रालय से। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। सभी को पता होगा, बहुत आसान प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, करंट से पूछा गया प्रश्न है, दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया? तेलंगाना राज्य सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया। सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर पूछा गया था 7.6%। भरतपुर पक्षी अभयारण्य का दूसरा नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन थे म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है सऊदी अरब। प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था ओम। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है सिट्रिक अम्ल। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। सभी को पता होगा सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। और यह सभी प्रश्न जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगभग सभी सही करके आए होंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। राष्ट्रीय आय का आकलन करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता था। ऑप्शन नंबर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन हमारा सही आंसर है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। भिलाई लोहो इस्पात संयंत्र का मुख्य स्रोत है कोरबा। सिराजुद्दौला में कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला ने लड़ा। ग्राम पंचायत का संबंध किस अनुच्छेद से है? यह प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 40। पासपोर्ट में प्रथम स्थान पर पाए जाने वाला देश है जापान। पैरा ओलंपिक का ध्वजा वाहक था मरियप्पन थंगा वेल्लू। नव कलेवरा उत्सव पूछा गया था कि कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। आर्थिक न्याय संबंधित है प्रस्तावना से। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें हमें इनमें से कोई नहीं पर टिक लगाना था। काकोरी कांड में सहभागी समिति है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न था, धन्वंतरी किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे और यह चिकित्सक थे। हरित गैस नहीं है पूछा गया था कि कौन सी हरित गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन हमारा सही ऑप्शन था। थर्ड ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? भूटान को थर्ड ड्रैगन कहा जाता है। ग्राम पंचायत किस समिति के सुझाव पर आधारित है? बलवंत राय मेहता समिति। आरबीआई ने किस डेबिट कार्ड को रद्द कर दिया? मास्टर कार्ड को रद्द कर दिया आरबीआई ने। आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा। आर्थिक सुधार 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वे थे पीवी नरसिम्हा राव। जम्मू कश्मीर में फायरिंग रेंज किस अभिनेत्री के नाम पर है? विद्या बालन। यह प्रश्न करंट से पूछा गया था। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। त्वचा की पहली या ऊपरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस। राज्य सूची का विषय नहीं है, यह पूछा गया था कानून व व्यवस्था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।